असलम वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल विद एन अदर अमेजिंग रेसिपी सो टुडे आई एम मेकिंग बेक चिकन ब्रेड्स सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड तो ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले डो को गूंध लेंगे मैंने यहाँ पे चार कप मैदा यूज़ किया है आप क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं चार कप मैदा में एक साथ हीस्ट का डालें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें एक टी स्पून सॉल्ट और एक टीस्पून शुगर का ऐड कर दें शुगर और सॉल्ट को ऐड करके व्हाइट फ्लोर को अगेन अच्छे से मिक्स कर लें अब इसमें थ्री टू फोर टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल का शामिल करें और इसको अगेन अच्छे से मिक्स कर लें एक कप नीम गर्म दूध शामिल करके डो को अच्छे से गूँध लें अब नीम गर्म पानी को यूज़ करते हुए नरम सी डो गूंध लें डो को अच्छे से गूंदने के बाद किसी भी एयर टाइट बाउल को लें और उसमें डो को रख के इसको अच्छे से कवर करके रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें और तीन से चार घंटे के लिए डो को रेस्ट दें ताकि डो अच्छे से राइज हो सके डो राइज होने तक अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे तो स्टफिंग तैयार करने के लिए एक पैन में टू टू थ्री टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे मीडियम साइज ऑनियन को चॉप कर लें और इसको हल्का सा सोते कर लें हाफ के जी चिकन को मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया था अब बॉइल्ड चिकन को ऐड करके इसको हल्का सा पका लें दो से तीन मिनट कुक करने के बाद अब हम इसमें एक कप दूध शामिल करेंगे और इसके बाद स्पाइसेस ऐड करेंगे तो स्पाइसेस में सबसे पहले एक टीस्पून ब्लैक पेपर वन टीस्पून स्पून चिली फ्लैक्स वन टी सॉल्ट हाफ टी स्पून ज़ीरा और हाफ टी स्पून और शामिल करें अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और दो से तीन मिनट दरमिया आंच पे अच्छे से पकने दें दो से तीन मिनट पकने के बाद जब दूध ड्राई हो जाए तो इसमें टू टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस ऐड करें अब एक कप चॉप की शिमला मिर्च और एक कप चॉप किया हुआ टमाटर डाल के इसको हल्का सा पका लें वेजिटेबल्स को एक से दो मिनट पकाने के बाद अब इसमें एक टेबल स्पून मायोनीस टू टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस वन टेबल स्पून सॉस वन टेबल स्पून चिली सॉस वन टेबल स्पून सोया सॉस और वन टेबल स्पून सिरका ऐड करें सॉसेज़ ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करें और एक से दो मिनट पकाने के बाद फ़्लेम को ऑफ कर दें और स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रख दें मैंने डो को यहाँ पे तीन घंटे के लिए स्टे दिया है और अब आप देख सकते हैं कि डो बहुत अच्छे से राइज हो चुकी है सरफेस पे ड्राई फ्लोर डस्ट करेंगे और डो को मजीद एक से दो मिनट के लिए गूँधेंगे ताकि डो बिल्कुल स्मूथ हो जाए मैंने चार कप मैदा इस्तेमाल किया था और चार कप मैदे से तकरीबन सात से आठ पीसीस आसानी से तैयार हो जाएंगे सिंपली अब डो के पेड़े तैयार कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि सब पेड़ों का साइज़ इक्वल हो पेड़े को राउंड शेप देके अब इसकी पतली सी रोटी बेल लेंगे इस रोटी का साइज़ नॉर्मल रोटी के निस थोड़ा सा मोटा रखेंगे बेली हुई रोटी के सेंटर में चिकन की स्टफिंग रखेंगे स्टफिंग तकरीबन दो से तीन टेबल स्पून के करीब एक ब्रेड के अंदर जाएगी अब अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें मोजरेला और चेडर चीज श्रेड की हुई डाल लें अब सेंटर में एक आइसक्रीम स्टिक को एडजस्ट करें अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस अब आप पिज़्ज़ा कटर या नाइफ़ की हेल्प से इक्वल कट्स लगा लें कोशिश करें कि दोनों तरफ इक्वल कट्स लगाएं ताकि परफेक्ट शेप आ सके अब जिस साइड पे आइसक्रीम स्टिक एडजस्ट किया उसी साइड से फोल्डिंग स्टार्ट करें बस वन साइड से एक कट को उठाएं और अपोजिट साइड पर उसको अटैच करते जाएं और इसी तरीके से पूरी प्रॉपर शेप देने। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम इंग्रेडिएंट्स और उनकी क्वांटिटी मेंशन कर दूंगी आप वहां से चेक कर सकते हैं अब बेकिंग ट्रे को ऑयल से ग्रीस कर लें और अच्छे से ग्रीस करने के बाद इसमें ब्रेड को केयरफुली रख दें सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए बाकी ब्रेड्स को भी इसी तरीके से प्रिपेयर कर लें मेरे बेकिंग ट्रे का साइज़ बड़ा है तो इस वजह से मैंने एक टाइम में तीन ब्रेड्स को इकट्ठा बेक किया है तो आप अपने पैन के साइज़ के अकॉर्डिंग एक टाइम में एक ब्रेड या दो ब्रेड के हिसाब से इसको बेक कर सकते हैं अब अंडे को अच्छे से बीट करें और एक ब्रश की हेल्प से उसको ब्रेड के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दें एग अप्लाई करने के बाद मैंने इस पर सेसमी सीड्स और ब्लैक सीड्स को स्प्रिंकल किया है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस पर जो सीड्स चाहें वो स्प्रिंकल कर सकते हैं मैंने ब्रेड को सिंपली देगचे में बेक किया था देगचे में बेक करने के लिए सिंपली एक देगचे को 15 टू 20 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पर प्री हीट कर लें केयरफुली बेकिंग ट्रे को देखचे में रखें और इसको कवर करके 15 टू 20 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लें आफ्टर 20 मिनट्स यू कैन सी के ब्रेड का कलर गोल्डन हो चुका है तो ये बिल्कुल कुक हो चुकी है अब आप इसको किसी भी फेवरेट सॉस के साथ सर्व करें और इसको इंजॉय करें थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो इफ़ यू इंजॉयड इट दैन लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉर्गेट टू प्रेस द बेल आइकन टेक केयर ऑफ़ यूर सेल्फ सी यू सोन इन द नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़